ये तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अच्छा नहीं बनेंगे। उनमें बहुत बात है, इनमें बहुत कमी है अभी। अरे इनमें तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। आज की डेट में तो इंडिया में उनको मार्क देने वाला कोई है ही नहीं। नीतीश की क्या औकात है? 29 में भी मोदी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है विपक्ष में। आज विपक्ष खत्म है देश में से, खत्म है बिल्कुल, कोई खत्म है, सब बिल्कुल खत्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे और सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करके और मोदी को गद्दी से उखाड़ेंगे, इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। तो क्या जनता क्या सोचती है इस बारे में, चलते हैं जनता के पास। सवाल है ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार टक्कर दे सकते हैं? जी नहीं। नहीं तो क्यों? हाँ तो क्यों? नहीं क्यों नहीं दे सकते? पार्टी से वो तो हटा दिए हैं। नरेंद्र मोदी को पार्टी से हटा दिया? नहीं, नीतीश कुमार को हटा दिए हैं। कौन हटा दिया? मोदी जी हटाए हैं। मोदी जी हटाए जी? नीतीश कुमार छोड़े हैं कि मोदी जी? नहीं, जनता छाटेगा तो क्या? उनको तो पहले जनता छाट दिया है नीतीश कुमार को, अब मोदी जी अपना पार्टी से निकाल दिए। मोदी जी निकाले हैं कि नीतीश जी छोड़े हैं? नहीं, मोदी जी निकाले हैं। ना क्या लगता है, मोदी को टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री को? वो तो नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? उनमें बहुत बात है, इनमें बहुत कमी है अभी। अरे इनमें तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सोच रहा है जो बस। ये तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अच्छा नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अब इनका काहे नहीं बनेंगे ये पहले सोचेंगे तब। है उनके क्यों नहीं बनेंगे? है उनका, है इनको, उनके पास कारण। अब हम नहीं बता सकते हैं। हाँ है। चलिए और भी लोग हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार में क्षमता है? हाँ है, हाँ आने वाला चुनाव में इनको भारी टक्कर देंगे प्रधानमंत्री को। हाँ बने या ना बने लेकिन बहुत भारी लाएंगे बहुमत, टक्कर दे सकते एकदम। इनको डर पैदा हो गया है ये निश्चित है। आप कैसे देख रहे हैं? कोई कह रहा है कि मोदी जी हटा दिए हैं नीतीश कुमार को। उनका अपना अपना सबका सोच है कि हटा दिए हैं। हमको खराब लगा कि पार्टी को गलत काम हमसे दबाव बना रहे, इसलिए उनको छोड़ दिया। लेकिन टक्कर दे सकते हैं। हाँ चलिए बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं नीतीश कुमार? बताओ भाई। नीतीश कुमार नहीं सकता, संभव नहीं। आज की डेट में तो इंडिया में उनको मार्क देने वाला कोई है ही नहीं। नीतीश की क्या औकात है? आज नहीं हो सकती, भविष्य की 24-25 में तो कोई है नहीं। अब 29 में देख ही रहेगा कोई होगा तो। 29 में भी मोदी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है विपक्ष में। आज विपक्ष खत्म है देश में से, खत्म है बिल्कुल, कोई खत्म है, सब बिल्कुल खत्म है। क्यों टक्कर नहीं ले सकते हैं? क्यों का जवाब तो जनता अपना दे देती है, उनको पता है सबको। जनता है, जनता ने जवाब दे दिया, रोड दे देगी जनता। क्यों का तो यही रीजन है कि 70 साल तक खूब देखा है इनको विपक्ष वालों को, अब तो केवल मोदी युग है। मोदी ठीक काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया कर रहा है, सबसे बढ़िया कर रहा है। चलिए कुछ लोग थे उनसे हमने जाना है। भले ही कुछ लोग का कहना है कि नीतीश कुमार जीत नहीं सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, तो कुछ लोग का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। बहुत दिन राज किया है 70 सालों ने कांग्रेस ने, लेकिन कुछ मिला नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार से लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार सभी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हालांकि होगा क्या ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या नीतीश कुमार सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करेंगे। हाँ ये चुनौती ज़रूर हो सकता है कि अगर सब सारा जो विपक्ष है वो एकजुट हो जाए तो 24 का चुनाव इतना भी आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जो नेता हैं लगातार कैंपेन कर रहे हैं हर राज्य में, बिहार हो, झारखंड हो, हर राज्य में, अब उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन देखना होगा कि क्या 24 की गद्दी
मोदी के पास रहेगी या उस पर कोई और बैठ सकता है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।